हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है देओल फैमिली। जहां एक ओर देओल फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना खास योगदान दे रखा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ देओल फैमिली अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए भी काफ़ी मशहूर है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड के ही मैन कहे जाते हैं धर्मेंद्र, तो वहीं धर्मेंद्र के दोनों बेटे भी सुपरस्टार्स के तौर पर जाने जाते हैं। जी हाँ, सनी देओल और बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज भी ये तीनों ही स्टार्स फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इस बीच देखा जाए तो तीनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर, बॉन्डिंग को लेकर अपने दिल की बातों को अपने इंटरव्यूज में शेयर करते हुए देखे जाते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज हम फिर से बात करेंगे हीमैन धर्मेंद्र के बारे में। जब धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों को लेकर अपने दिल की बात कहते हुए नजर आए अपने इंटरव्यू में, और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने एक और बेटे का भी जिक्र किया। धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में अपने अंदाज, अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही लोगों का दिल जीतते हुए नजर आए हैं। लोगों का दिल जीतने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस फिल्म के बाद कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऐसे में देखा जाए तो धर्मेंद्र की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहां एक ओर अपने फिल्मी करियर को लेकर लाइमलाइट में बने रहे हैं, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। जी हाँ, पहली शादी प्रकाश कौर से और दूसरी शादी उन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से की है। ऐसे में देखा जाए तो धर्मेंद्र से एक इंटरव्यू में उनकी बायोपिक को लेकर सवाल किया गया था। उनसे सवाल किया गया था उनकी बायोपिक को लेकर कि एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से सवाल किया गया था कि उनकी बायोपिक बने तो उनका रोल किसे निभाना चाहिए। उस दौरान धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल में से किसी का नाम नहीं लिया था। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों का ही इस फिल्म के लिए नाम नहीं लिया। दरअसल धर्मेंद्र ने उस दौरान बॉलीवुड की दबंग खान सलमान खान का नाम लिया था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सलमान खान में अपनी छवि दिखाई देती है। उस दौरान धर्मेंद्र ने कहा कि सलमान खान में उन्हें अपनी छवि दिखाई देती है, साथ ही वह बायोपिक के लिए उनकी पहली पसंद भी है। मेरे हिसाब से अगर मेरे ऊपर बायोपिक बनाए तो उसके लिए सलमान खान ही मेरी पसंद होंगे। मुझ में और सलमान में बहुत ही समानता है और हम दोनों की कई आदतें भी एक जैसी ही हैं। मुझे सलमान खान का काम बेहद पसंद है। इस तरह से धर्मेंद्र ने सलमान खान का नाम सजेस्ट किया। वेल, सलमान खान के साथ धर्मेंद्र बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हैं और सलमान खान भी धर्मेंद्र और उनके पूरे परिवार का सम्मान करते चले आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।